अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाला भरे देसी टींडे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद है इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिए हैं 3 पाव देसी टींडे। इनको पहले हमने अच्छी तरह से पील ऑफ़ कर लेना है। इनको पील ऑफ़ किस तरह से करना है, जैसे हम आलू का छिलका उतारते हैं बिल्कुल वैसे नहीं उतारना। इसका छिलका बहुत बारीक बारीक सा हमने इस तरह से उतारना है। सभी टिंडों को अच्छी तरह से पील ऑफ करने के बाद इनको पानी के साथ हमने वॉश करना है। एक बड़े बर्तन में इस तरह से डाल के 1 से 2 पानी के साथ अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो छिलका वगैरह रह चुका है वो भी अच्छी तरह से उतर जाए। ये देखिए, पानी इसका मैला हो चुका है। 2 पानी चेंज करके मैंने इसका वॉश कर लिया है। अब एक टिंडा लेंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो थोड़ा सा हमने निकाल लेना है। एक चम्मच लेंगे जिसकी बैक साइड थोड़ी शार्प हो, इसके अंदर इंसर्ट करके इसको राउंड करते हुए इसके अंदर का जो पल्प है वो हमने निकालना है। इस तरह से बस आधा पल्प इसका निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा पल्प भी हमने इसका नहीं निकालना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से इसमें से पल्प निकाल लिया है और सभी टिंडों में से ना इसी तरह से हमने पल्प निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जो पल्प बच चुका है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी इन्हीं के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे एक मिट्टी की कोंडी, हमने सारा जो इसका मसाला तैयार करना है इसी में ही करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं बारीक काट के, वो इसमें डाल देंगे। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं वो भी इसी में डाल देंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी काट के डाल देंगे। इसके साथ ही 1 बंच लहसुन का है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। सभी चीज़ें इसमें डालने के बाद अब जो हमने टिंडों के अंदर से पल्प निकाला था वो सारा भी इसी में ही शामिल कर देंगे। इसको ज़ाया नहीं किया जाता, वो इसी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक जाएगा, 1/2 चम्मच ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया जाएगा, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। अब सभी मसाले डालने के बाद हमने इसमें कोई और मसाला नहीं डालना, अब बस हमने इसको पीस के तैयार करना है। इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। और दूसरी मेन बात कि हमने इसको ग्राइंडर में भी नहीं पीसना, क्योंकि हमने इसका बारीक वाला पेस्ट नहीं बनाना। इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीसना है। बस ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कैरी की चटनी है, ये खट्टी वाली चटनी है, मैं 1.5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। वैसे इसमें कैरी डाली जाती है, एक छोटे साइज़ की कैरी इसमें जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कैरी नहीं थी, इसकी चटनी थी, तो वो मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाल लिया है। इसके साथ ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अब सभी टिंडों के अंदर इस मसाले की हमने स्टफिंग कर लेनी है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब ये स्टफिंग इसमें जाएगी। तो सभी टिंडों के अंदर ये मसाले की स्टफिंग हमने भर के तैयार कर लेनी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टिंडे बनाने का ये तरीका कैसा लगा और आप इसको किस तरीके से बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मसाला बच चुका है इसे बर्तन में निकाल लेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने टिंडे भर के तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेंगे। अब सिंपली हमने सभी टिंडे एक एक करके इस ऑयल में डालते जाना है। इस तरह से टिंडे डाल के हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, हमने इसको ऊपर से ना तो कवर करना है ना ही इसको कुछ भी करना है, बस हमने सिंपली इनको करके ऑयल में डाल के फ्राई करना है। इसको टर्न आउट पे आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, इसका मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने इसकी भुनाई कर ली है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर जो मसाला बच चुका था वो शामिल कर देना है। सारा मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है, अब इसकी भुनाई करनी है हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट ही, ताकि जो मसालों का कच्चा फ्लेवर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। मिक्सिंग करते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और आप नोट कर रहे होंगे कि इसका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। और यहाँ पर जब इसकी भुनाई हो जाएगी, इनको गलाने के लिए 2 कप इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि टिंडे बड़े साइज़ के हैं, इनको गलाने में पानी की ज़रूरत होती है। 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल करके इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसको कवर कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और टिंडे भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसका कवर हटा दिया है, हमारे टिंडे अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुके हैं और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, ऑयल छोड़ दिया है इन्होंने अच्छे से।
तो हमारे टिंडे जो हैं वो पककर तैयार हो चुके हैं। इसमें पिसा हुआ धनिया यानी कि धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा फ्रेश धनिया इसमें डाल के इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये टिंडे बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितने मज़े के बने हैं, और इनका मसाला बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल बाहर नहीं निकला। ये देखे टिंडे अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं और मसाला चेक करें बिल्कुल वैसा ही है इसमें। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इसे इस गर्मियों में ज़रूर ट्राई करिएगा। आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जमीला आशा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।